कावासाकी की सबसे अफोर्डेबल बाइक W175 इंडियन डॉलर मार्केट में आ गई है, जो डायरेक्टली कम्पीट करेगी TVS की रोनिन 225, यामा की FGX और हंटर 350 के साथ जो रॉयल एनफील्ड की है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कावासाकी की W175 का कंपैरिजन करेंगे TVS की रोनिन 225 के साथ। दोनों बाइक्स का प्राइस ऑलमोस्ट सेम सा है, यानी कि दोनों बाइक्स के प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों ही बाइक्स न्यू रेट्रो सेगमेंट की हैं, लेकिन दोनों बाइक्स की डिस्प्लेसमेंट के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। सो इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इन दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए, इन सभी डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो कावासाकी की W175 और TVS की रोनिन 225, इन दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में सबसे पहले हम बात करते हैं इंजन के बारे में। W175 के अंदर 177 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 2-वाल्व इंजन है। रोनिन 225 के अंदर 225.9 cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4-वाल्व इंजन है। सो एक तरफ एयर कूलिंग है और दूसरी तरफ ऑयल कूलिंग है। W175 के अंदर 2 वाल्व है, लेकिन रोनिन के अंदर 4 वाल्व है। TVS की रोनिन के अंदर थोड़ा सा बड़ा इंजन है, जिसके अंदर ऑयल कूलिंग भी है, 4 वाल्व भी है, लेकिन W175 के अंदर 2 वाल्व है और थोड़ा छोटा इंजन है जिसके अंदर एयर कूलिंग है। सो इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से TVS की रोनिन 225 ज़्यादा अच्छी स्टैंड करती है। और दोनों बाइक्स की डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के इंजन डिस्प्लेसमेंट के अंदर 49 cc का डिफरेंस है, और इसी वजह से दोनों बाइक्स के आउटपुट फिगर्स के अंदर भी काफ़ी डिफरेंस है, क्योंकि TVS की रोनिन 225 काफ़ी अच्छी पावरफुल बाइक है और W175 काफ़ी अंडर पावर बाइक है, क्योंकि इस बाइक के आउटपुट फिगर्स उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो दोनों बाइक्स की आउटपुट फिगर्स के बारे में अगर बात करें तो W175 की मैक्सिमम पावर है 13.05 PS एट 7500 RPM, रोनिन की मैक्सिमम पावर है 20.4 PS एट 7750 RPM। सो रोनिन की पावर आउटपुट 7 PS के आसपास ज्यादा है, और इसी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस, इस बाइक का इनिशियल एक्सेलेरेशन W175 से काफी ज्यादा अच्छा है। W175 की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 13.2 न्यूटन मीटर एट 6000 RPM, और रोनिन की मैक्सिमम टॉर्क आउटपुट है 20 न्यूटन मीटर एट 3750 RPM। सो दोनों बाइक्स की टॉर्क आउटपुट के अंदर भी अराउंड 7 न्यूटन मीटर का डिफरेंस है। सो आउटपुट फिगर्स के मामले में भी TVS की रोनिन 225 ज्यादा अच्छी स्टैंड करती है। इसी वजह से इस बाइक का इनिशियल एक्सेलेरेशन, बाइक का पिकअप, बाइक की लो एंड परफॉर्मेंस, मिड एंड परफॉर्मेंस, टॉप एंड परफॉर्मेंस के मामले में TVS की रोनिन का कोई भी मुकाबला नहीं है, क्योंकि W175 बहुत ही ज्यादा अंडर पावर वाली बाइक है दोनों बाइक्स के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टायर्स के बारे में। W175 के अंदर 100/80 सेक्शन का फ्रंट टायर है, 100/90 सेक्शन का रियर टायर है। TVS की रोनिन के अंदर 110/70 सेक्शन का फ्रंट टायर है और 130/70 सेक्शन का रियर टायर है। सो TVS की रोनिन के अंदर काफी अच्छे सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, जो कि ब्लॉक पैटर्न टाइप के ड्यूअल पर्पस टायर्स हैं, जिसकी वजह से TVS की रोनिन के साथ ऑफ रोडिंग भी की जा सकती है। लेकिन W175 के अंदर काफी पतले टायर हैं, और साथ ही W175 के अंदर स्पोक व्हील्स हैं, लेकिन TVS की रोनिन के अंदर काफी अच्छे एलो व्हील्स हैं, जिनका डिजाइन काफी अच्छा है। नेक्स्ट बात करते हैं दोनों बाइक्स के डायमेंशंस के बारे में। W175 की सीट हाइट है 790 mm, रोनिन की सीट हाइट है 795 mm, W175 का ग्राउंड क्लीयरेंस है 165 mm, रोनिन का ग्राउंड क्लीयरेंस है 181 mm। सो W175 का ग्राउंड क्लीयरेंस भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये बाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए काफी कंफर्टेबल है। वैसे तो दोस्तों दोनों ही बाइक शॉर्ट राइडर्स के लिए काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि दोनों बाइक्स की सीट हाइट बहुत ज्यादा नहीं है। W175 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर्स की है, और रोनिन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर्स की है। सो रोनिन की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी काफी अच्छी है, और दोनों बाइक्स के अंदर आपको 45 km के आसपास की माइलेज मिल जाएगी। सो TVS की रोनिन के साथ आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो, क्योंकि एक बार फ्यूल टैंक को फुल कराने के बाद TVS की रोनिन ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकती है। W175 का वेट है 135 kg, रोनिन का वेट है 160 kg। सो W175 काफी लाइटवेट मशीन है, क्योंकि इस बाइक के अंदर फीचर्स उतने ज्यादा अच्छे हैं ही नहीं, जिसकी वजह से इस बाइक का वेट काफी कम है। लेकिन TVS की रोनिन के अंदर काफी अच्छे फीचर्स हैं, क्योंकि सस्पेंशन के बारे में अगर बात करें तो रोनिन की सबसे बड़ी USP है गोल्डन फिनिश्ड प्रीमियम अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स, और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। लेकिन W175 के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन है। बाइक के अंदर फ्रंट में सस्पेंशन कवर्स भी दिए गए हैं, जिनकी वजह से बाइक के फ्रंट लुक्स काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन सस्पेंशन सेटअप के मामले में भी TVS की रोनिन ज्यादा अच्छी है। और ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो W175 के अंदर 220 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है, जिसके साथ में स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS है। रोनिन 225 के अंदर 300 mm की फ्रंट डिस्क ब्रेक है, 240 mm की रियर डिस्क ब्रेक है। इस बाइक के अंदर सिंगल चैनल ABS का भी ऑप्शन है और ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन है। सो ब्रेकिंग सिस्टम के मामले में भी TVS की रोनिन ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इस बाइक के अंदर डिस्क ब्रेक्स भी हैं और ड्यूअल चैनल ABS का भी ऑप्शन है। सो दोस्तों सस्पेंशन, ब्रेकिंग सिस्टम, फीचर्स,
इन सभी मामले में टीवीएस की रोनिन ज्यादा अच्छी स्टैंड करती है और W175 से बहुत बेटर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के इलेक्ट्रिकल फीचर्स के बारे में। तो W175 के अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड रेट्रो स्टाइल हेलोजन हेडलाइट है, हेलोजन ही इंडिकेटर्स हैं, एनालॉग प्लस डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में हेलोजन टेल लाइट है। लेकिन टीवीएस की रोनिन के अंदर ऑल एलईडी लाइट्स का सेटअप दिया गया है जो इस बाइक की सबसे बड़ी यूएसपी है। बाइक के अंदर फ्रंट में राउंड शेप्ड रेट्रो स्टाइल एलईडी हेडलाइट है जिसके अंदर एलईडी डीआरएल्स भी हैं। बाइक के अंदर काफी अच्छे प्रीमियम एलईडी इंडिकेटर्स हैं, राउंड शेप्ड रेट्रो स्टाइल फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में काफी अच्छी स्लीक डिजाइन वाली एलईडी टेल लाइट है। सो टीवीएस की रोनिन इलेक्ट्रिकल फीचर्स के मामले में भी बहुत ज्यादा अच्छी है, W175 से बहुत बेटर है। सो दोस्तों ये थे दोनों बाइक्स के सारे डिफरेंसेस। W175 के अंदर थोड़ा छोटा इंजन है, बाइक के अंदर फीचर्स भी उतने अच्छे नहीं है, बाइक के अंदर स्पोक व्हील्स हैं और बाइक के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन टीवीएस की रोनिन हर एक एंगल में W175 से काफी अच्छी है। अब फाइनली हम बात करते हैं दोनों बाइक्स के एक्सशोरूम प्राइस के बारे में। तो W175 के दो कलर्स हैं जिसमें ब्लैक कलर का एक्सशोरूम प्राइस है 1,47,000 और रेड कलर का एक्सशोरूम प्राइस है 1,49,000। इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको 1,75,000 से लेके 1,80,000 के आसपास देखने को मिलेगा। टीवीएस की रोनिन का एक्सशोरूम प्राइस 1,49,000 से लेके 1,72,000 तक है जिसका ऑनरोड प्राइस आपको 1,75,000 से लेके 2,00,000 रुपए तक देखने को मिलेगा। सो टीवीएस की रोनिन के स्टैंडर्ड मॉडल और W175 को भी अगर कंपेयर करें तो टीवीएस की रोनिन के स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर ही फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। सेम प्राइस के अंदर आप दोनों बाइक परचेज कर सकते हो। सो सेम प्राइस में टीवीएस की रोनिन काफी अच्छे फीचर्स ऑफर कर रही है। सो इसी वजह से टीवीएस की रोनिन एक बेटर वैल्यू फॉर मनी मशीन है। दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छी कंफर्टेबल सिंगल पीस सीट है जो पिलियन और राइडर दोनों के लिए ही काफी कंफर्टेबल रहेगी और दोनों बाइक्स का राइडिंग पोस्चर भी काफी कंफर्टेबल है। दोनों बाइक्स के अंदर काफी अच्छा फ्यूल टैंक है और दोनों बाइक्स में सिंगल पीस क्रैब रेल है। और दोनों बाइक्स के लुक्स, डिजाइन और स्टाइल के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों मुझे पर्सनली टीवीएस की रोनिन 225 ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इस बाइक के अंदर काफी ऐसे प्रीमियम फीचर्स हैं जो आपको इस प्राइस में और किसी बाइक के अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन कावासाकी की W175 आप परचेज कर सकते हो अगर आपकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है विंटेज न्यू रेट्रो डिजाइन और स्टाइल। अगर आपको एक विंटेज स्टाइल वाली न्यू रेट्रो बाइक चाहिए तो फिर आप W175 के लिए जा सकते हो। लेकिन दोस्तों टीवीएस की रोनिन W175 से काफी अच्छा ऑप्शन है जो बिल्कुल एक वैल्यू फॉर मनी मशीन है। लेकिन कावासाकी की W175 मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर कावासाकी इस बाइक का एक्सशोरूम प्राइस 1,35,000 रुपए के आसपास रखती, यानी कि जिस प्राइस में आप यामा की FGX परचेज कर सकते हो उसी प्राइस में अगर कावासाकी W175 को लॉन्च करती तो फिर ये बाइक एक वैल्यू फॉर मनी मशीन हो सकती थी। हालांकि कावासाकी की W175 कावासाकी की सबसे अफोर्डेबल मशीन है लेकिन फिर भी इस बाइक का प्राइस काफी ज्यादा है। सो दोस्तों ये था कावासाकी की W175 और टीवीएस की रोनिन 225 का डिटेल्ड कंपैरिजन। आपको कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ ड्राइव सेफ।